हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत जबरदस्त रहा जैसा हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था कि मार्केट का फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा उसके बाद में इनके से वो निगेटिव कैंडल कुछ बनाता है तो वहाँ आपको सेलिंग का प्लान करना होगा तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिल्वर माइक्रो की जो हमने एनालिसिस किया उसके बेस में कैसा परफॉर्मेंस रहा साथ में अभी का क्या रेंज निकल के आ रही है तो उसके बेस में हमें फर्दर कैसे ट्रेडिंग करना है मैंने टेलीग्राम में कुछ पोस्ट किया है वहाँ भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए यहाँ से आपको काफ़ी कुछ वेलेबल कंटेंट मिलते हैं साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने जो नॉलेज है और साथ में एक व्यू है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पर मैं टाइम टाइम पर चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ और अपनी लर्निंग को शेयर करता रहता हूँ अभी जैसे मार्केट घूम रहा है तो इसे 68,000 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है वो अभी देखते हैं क्या नेक्स्ट सपोर्ट निकल के रहा है इनके नीचे जाता तो जाएगा नहीं जा रहा है तो फिर हमें प्लस साइड के लिए मूव देखना अगर उसको भी देखना है तो आपको पूरी वीडियो को देखना होगा अब हम चलते हैं चार्ट पे तो फ्रेंड्स अगर आपको मॉर्निंग की हमारी जो मैंने एनालिसिस किया था मार्केट यहां पर था उसके बाद में एक कैंडल ओपनिंग के लिए मैंने बोला था इन से 68, का लेवल निकालता तो ये दो सौ से ढाई सौ पॉइंट ऊपर जाएगा सिक्सटी नाइन थाउजेंड फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट इसके लिए सिक्सटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड का रहेगा तो इसने जो फर्स्ट कैंडल बनाया उसने फर्स्ट टारगेट हमारा ओपनिंग में ही जाके हिट कर दिया उसके बाद नीचे आया थोड़ा रिवर्स हुआ था उसके बाद दोबारा गया मतलब फर्स्ट आवर की के जो कैंडल बनी उसने ही पूरा ऊपर की तरफ मूव हो गया था लेकिन उसके बाद में जिसने हाई लगाया वन फोर्टी टू का लगाया मतलब ओपनिंग होते ही सीधा थ्रू आउट ऊपर निकल गया तो यहाँ जिनको कैप्चर नहीं कर पाए हुए उसके बाद ही मैंने आपके लिए बोला था कि मार्केट इनके नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आपके लिए नेगेटिव सेंटिमेंट बनेंगे तो आप देखोगे मार्केट यहीं पर एक रेजिस्टेंस के पास है और ये जो कैंडल का फॉर्मेशन किया उसके बाद में लोअर लो आना फॉर्मेशन कंटिन्यू कर दिया जब इसने लो को नीचे क्रॉस किया जो मैंने ऑलरेडी अब पहले ही वीडियो में बता रखा है उसके नीचे आपको सेल साइड का प्लान करना था तो यहाँ देखोगे आप सेल साइड प्लान करने पे अगर जिसने भी किया होगा नीचे इसने लो का कितना ज़बरदस्त डाउन मूव दिखाया है जिसने लो भी लगाया है लगभग 222 का लगा दिया है इन केस ये अभी 200 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 68,000 का इसके नीचे लेवल बना हुआ है लेकिन 68,000 के आसपास इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है जो कि सिक्सटी से लेकर सिक्सटी का लेवल इंपॉर्टेंट मैंने टेलीग्राम में इसको इसीलिए पोस्ट कर रखा है और उसके पीछे क्या रीज़न है अगर उसको आप देखोगे देखो थ्रू आउट ब्रेक डाउन होता जा रहा है मैंने आपके लिए चार्ट में पोस्ट किया है उसके बाद ही ये डाउन कंटिन्यू चलता जा रहा है तो अगर आपको ट्रेड करना है सीखना है तो आपको एक रेंज फॉर्मेशन पहले करना होगा अब आप देखोग पूरे आज दिन की मूवमेंट को अगर दे, आप देखते हैं हाइएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को और मैच करेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट का मूव हो गया है हमें चाहिए कितना हमें क्यों चाहिए तीन से 400 सौ पॉइंट पड़ेगा एक लॉट में उतना मिलता रहे तो बहुत है अगर हम चार लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो हमें डेफिनेटली अच्छी हम अपनी अर्निंग बना सकते हैं डेली का हमारा दो से तीन सौ दो परसेंट तीन परसेंट से ज़्यादा लगभग पाँच से छः परसेंट सात परसेंट मिलता है हमें इनके हम कंटिन्यू इसको करते रहते हैं तो आप देखेंगे जो कंपाउंडिंग होती है मंथ के लास्ट में आप ऐसे भी करके धीरे धीरे प्रॉफिट और लॉस सबको मर्ज करते हुए भी ज़बरदस्त प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो मार्केट धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है अब ये 200 के लेवल को भी टच करता हुआ नीचे जा चुका है देखते हैं सिक्सटी का लेवल बनेगा अभी हम इसके बाद चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो होता है इसको हम बैकअप के लिए रखते हैं वो रहता है फोर आवर का सेटअप फोर आवर के सेटअप में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है इन्वर्टेड हैमर जबरदस्त तरीके का है तो इनके हिसाब अगर आप कुछ भी यहाँ पे आवरली ट्रेड करते हैं या फोर आवर ट्रेड करते हैं दोनों में आपको निगेटिव कैंडल बनी हुई दिखी है और निगेटिव कैंडल को अगर आपने प्रॉफिट अभी तक अर्न नहीं किया तो ये आपकी प्रॉब्लम है आप इसका मतलब है एक सीरियस बेसिस ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं आप देखिए वन थाउजेंड के मूव में जबरदस्त तरीके से अगर सिंगल कैंडल भी आप पकड़ते हैं चार सौ पाँच सौ कैंडल का एक मूवमेंट इसने दिया है तो एक रेंज का फॉर्मेशन किया है रेंज का डबल हम मान के चलते हैं डबल से भी ज़्यादा इसने कर दिया है तो इस तरह के लेवल्स हमें मिलते हैं लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर बिलीव करना होता है और जो सेटअप है उस पर भी कंटिन्यू वर्क करना होता है तो अगर आप यहां बोलेंगे कि मैंने इसको प्री में नहीं बताया था जब मार्केट मूव कर गया तब तो बताया तो इसके लिए आपको मेरी मॉर्निंग की वीडियो देखनी होगी वहां से आप देख के कुछ लर्न कर सकते हैं अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं यहां पे तो डेली टाइम फ्रेम में हमें कुछ और व्यू बनते हुए दिख रहे हैं अगर उसकी हम लेवल की बात करते हैं तो देखिए कल का जो हाई है कल का मतलब हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन से जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा था मार्केट उससे लगभग हाई के बराबर जा कर टच करता हुआ है अब हो सकता है लो को भी टच करता हुआ है पूरी पूरी एकदम बराबर बॉडी और बिग बना दे ये मार्केट ऊपर डिसाइड कर दीजिए लेकिन इसने दो का भी लेवल टच कर दिया तो इस तरह से जो हमारे कल के टारगेट थे 300-400 पॉइंट ऊपर के लिए 300-400 पॉइंट 300 नीचे के लिए तो दोनों मोमेंटम हो गया इसको मैंने क्लियर कट बोला था अब देखते हैं सिक्सटी एट थाउजेंड टच करता है तो अच्छी बात है नहीं टच करेगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट आज के लिए अर्न कर लिया है देखते हैं मार्केट एक दिन नहीं मूव करने वाला है कंटिन्यू रहेगा अभी देखिए धीरे धीरे लो फॉर्मेशन करता हुआ ही जा रहा है कुछ भी इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हुए नहीं दिख रहे हैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही बेहतरीन लर्निंग के लिए आपको मेरे चैनल को एक बार लाइक करिए सब्सक्राइब करें फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करिए क्योंकि जितने सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेंगे उतने ही मैं आपके लिए बेहतरीन लर्निंग लेके आऊँगा क्योंकि उससे भी मेरा थोड़ा मोटिवेशन होता है कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और जिससे हम, हम काफ़ी कुछ नई चीज़ें लर्न करते रहते हैं तो इस तरह से आपको कंटिन्यू अगर चैनल पे बने रहना है और सबसे पहले ट्रेडिंग के कंटेंट आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स